हरे कृष्णा। वैष्णवों के अनंत निष्ठा में तीन निष्ठा महत्वपूर्ण है। प्रथम निष्ठा नाम निष्ठा, दूसरा है तुलसी निष्ठा और तीसरा है एकादशी निष्ठा। तो आज हम एकादशी निष्ठा के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। व्रत का मतलब होता है हम कुछ न खाएं। कुछ न खाने का मतलब निर्जला। एकादशी का एक नाम है हरिवासर। हरिवासर का मतलब है भगवान का दिन, हरि का दिन। उस दिन भगवान के भक्ति में ऐसा डूब जाओ कि आपको कुछ भी याद न रहे, अर्थात अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना, अपने वेग को रोकना। इसके विषय में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक हमारी इंद्रियां नियंत्रित न हो तब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, और ज्ञान का मतलब ही है भक्ति। और जब तक भक्ति न हो हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। मुक्ति आदि को छोड़ करके अपने स्वरूप में स्थित होना, और वो कब होता है? जब हमें ज्ञान है। और ज्ञान कब आता है? जब हमारी इंद्रियां वश में है। इसलिए उपवास द्वारा हम लोग अपने इंद्रियों को वश में करते हैं। साथ साथ प्रेम का प्रदर्शन भी हम जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए उपवास भी करनी चाहिए। उपवास का कुछ नियम है। इसके विषय में एक बार भीमसेन भीष्म पितामह जी से पूछते हैं, कहते हैं कि हे पितामह, मैं उपवास रहने में असमर्थ हूँ, कृपा करके आप मुझे एक ऐसा फलप्रद नियम बताइए जिसको करने से उपवास करने का फल मुझे प्राप्त हो जाए। तो भीष्म पितामह जी बहुत सुंदर बात बताते हुए कहते हैं कि हे भीमसेन, देखो अगर कोई व्यक्ति समस्त व्रत का फल प्राप्त करना चाहता है तो उसको निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए, और यह निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को आती है। इस एकादशी व्रत को करने से पहले दशमी के दिन हमें नियम यह लेना होगा कि एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर के दूसरे द्वादशी के सूर्योदय तक हम जल तक का पान न करें। आचमन के लिए केवल जल का प्रयोग कर सकते हैं, और भगवान के चरणामृत के अतिरिक्त हम जल तक का त्याग कर दे। अगर इस तरह कोई व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है, इस नियम का पालन करता है, तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि यही कृता भीमसेनैषां निर्जलैकादशी शुभा स्वकुलं तारितं सर्वं कुलातीतं तथा शतम् आत्मना सह तेनीतम वासुदेवस्य मंदिरे। जो इस निर्जला एकादशी का व्रत करता है, प्रेम के साथ में इस व्रत का पालन करता है, उपवास करता है, तो अपने तो भगवान के धाम में जाता ही है, अपने कुल के साथ में, अपने परिवार के साथ में सबको भगवत धाम ले जाता है। ये इतना महत्वपूर्ण है। तो इस व्रत को नियम के साथ में करना चाहिए, और विशेष करके व्रत के दिन, एकादशी के दिन, हरिवासर के दिन हमको रात्रि जागरण करनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा
भागवत पढ़ना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए और वैष्णवों के बीच में बैठना चाहिए। तीन नियम यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। वो तीन क्या है कि किसी भी व्यक्ति से द्वेष न करें, दूसरा भगवान के पवित्र नाम का जप करें और जीव मात्र से प्रेम करें, और द्वादशी के दिन हमको शुद्ध वैष्णव और ब्राह्मणों के मध्य में बैठ करके भगवत प्रसाद को ग्रहण करना है। और अगर कोई व्यक्ति द्वादशी के दिन शुद्ध साधु शुद्ध ब्राह्मण को दान करता है अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, जिसके पास में जैसा सामर्थ्य है उसके अनुसार दान भी करना चाहिए, तो इसको करने से निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हम लोगों को इस निर्जला व्रत को धैर्य के साथ में इसे ग्रहण करना है, इस व्रत को करना है। और द्वादशी तिथि का पारण का समय है सुबह 5:24 से लेकर के 10:02 तक। तो उसके मध्य में हमको पारण कर लेना चाहिए और इस व्रत का पालन कीजिए। जो प्रत्येक एकादशी व्रत करते हैं वो भी निर्जला एकादशी कर सकते हैं, और जो एकादशी नहीं करते हैं उसे तो अवश्य ही इस निर्जला एकादशी का पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद।